राजस्थान से है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बारां के अंता और कोटा में दशहरा मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की प्रशासनिक महिला सशक्तिकरण, वहीं कांग्रेस की महिलाओं का अपमान और अत्याचार की यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की महिला झूठे आरोप लगाती हैं। मैं माता बहनों को पूछता हूँ कि कोई बहन इस प्रकार की शिकायत करने के लिए खुले में आए, ये क्या संभव हो सकता है? ये देश की माताओं बहनों पर राजस्थान सरकार का गंभीर आरोप है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने चंबल रिवर फ्रंट में कैसे कैसे घोटाले किए हैं, वो भी आपसे छिपे नहीं हैं। लोगों पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जिस घंटा को जबरन खुलवाने की कोशिश की, उसने एक गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का जीवन छीन लिया है। आज लोग खुलकर आरोप लगाने लगे हैं कि गहलोत सरकार 25 नवम्बर को वोटिंग वाले दिन एक घंटा खुलवाने का दबाव डाल रही है। राजस्थान में सरकार बनने पर बीजेपी न सिर्फ हादसे की जांच कराएगी बल्कि सबको न्याय भी सुनिश्चित करेगी। कांग्रेस के राज में सिर्फ तबाही देखी। कांग्रेस राजस्थान को फिर से बीमारू राज्य बनाना चाहती। कांग्रेस के नेता सिर्फ अपनी तिजोरी भरती रहे, राजस्थान की जनता को वो भूल गए। कांग्रेस ने चंबल रिवर फ्रंट में कैसे कैसे घोटाले किए हैं वो भी आपसे छिपा नहीं है। लोगों पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जिन घंटों को जबरन खुलवाने की कोशिश की, उसने एक गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का जी